वाले समझते थे कि बोधि धर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर है, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। बांगो, चिंग नी जाओ वो में वुशु, वो में ये शी याओ शुए, जीशे, जीशे। के लोग बोधि धर्मन को प्यार से धामू बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधि धर्मन को यही रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधि धर्मन ये बात भली भांति जानते थे। गांव वालों ने मांग की कि बोधि धर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। उनकी इस मांग को बोधि धर्मन ने स्वीकार कर लिया। Oh,
भी चाइना में बहुत सी जगहों पर बौद्ध धर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधि धर्मन, ये नाम भी नहीं सुना? कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ। नो आइडिया। ओ दामो, ये आई नो हिम, कुंग फू मास्टर, राइट? आई लव हिम। यस आई नो बोधि धर्मन, ही सन ऑफ किंग इन साउथ इंडिया। नहीं पता। बोधि धर्मन, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा तो जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेंपल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है, जिसका नाम